हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एक न्यूज़ लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि क्लास सिक्स से लेकर के इलेवेंथ तक की जो परीक्षा हुई है उनका रिजल्ट, या परीक्षा जिसमें नहीं हुई है अभी, परीक्षा तो वैसे कहीं पर भी नहीं हुई, तो उनका रिजल्ट या उनकी अगली आने वाली क्लास कैसे चलेगी, उनका परीक्षा भी होगी कि नहीं होगी, कैसे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे और न्यूज़ भी दिखाएंगे क्या घोषणा की गई है। तो ठीक है, तो उससे पहले हम एक बात बताते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं, जैसा कि ये कि आपकी टेंथ और इलेवेंथ की जो परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट कब आएगा, किस डेट तक आएगा उसका रिजल्ट, तो उसका वीडियो हमने ये डाल दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने वीडियो डाल दिया है, तो इस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर सारी डिटेल इसमें दी दिए गए, जो फेक न्यूज थी उसको भी इसमें हम उस न्यूज को बताएं कि क्या फेक न्यूज थी, यानी जो परीक्षा होनी है कि नहीं, ओ सॉरी, कि ये परीक्षा जो हुई है इसकी कापियाँ जच रही हैं कि नहीं, ये बिना कापी जचे हुए पास कर देंगे, ये सारी इस वीडियो में हम बताए हैं, और रिजल्ट कब तक निकलेगा उसको भी इस वीडियो में बताए हैं, इस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम पहले वो न्यूज़ दिखाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ऊपर, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ये आपका न्यूज़ है, जैसा कि ये दैनिक जागरण में आपको निकला हुआ है, तो आप जा करके इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसका जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक करके हम पढ़कर बताते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने राज्य के विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर 9वीं और 11वीं की अगली कक्षा में पदोन्नत किए जाने की घोषणा की है। परिषद द्वारा इस संबंध आज 13 अप्रैल को आधिकारिक सूचना जारी की, यानी 13 अप्रैल को सूचना जारी कर दी, घोषणा कर दी गई। ये वीडियो हम 14 अप्रैल को डाल रहे हैं, तो प्लीज़ अगर कोई भी वीडियो लेट देख रहा है उसके लिए माफ़ी, तो वीडियो में यही है, आगे देखें तब भी, यानी परीक्षा अब किसी भी क्लास की होगी नहीं, उसके पदोन्नत कर दीजिए, यानी जो 6 में होगा 7 में चला जाएगा, जो 7 में होगा 8th में चला जाएगा, इसी तरह से 11th में भी, 9th में भी, जो भी परीक्षाएं अगली पदोन्नत कर दी जाएगी। ओके, तो आगे और आगे दिखाते हैं हम आपको, जैसा कि आगे है इधर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद माध्यमिक शिक्षा सचिव आराधना की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक लखनऊ की ओर से जारी निर्देश के अनुसार राज्य समेत पूरे देश में लगातार फैल रही कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के मद्देनजर इन कक्षाओं की अगली कक्षा में पदोन्नत किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आता, इस निर्णय से राज्य में परिषद के अधीन अगले आने वाले सभी सरकारी विद्यालयों के साथ साथ निजी विद्यालयों के सत्र 19-20 और उपरोक्त कक्षाओं के छात्रों की काफ़ी राहत मिली है। इन कक्षाओं के छात्र अब 6 शैक्षणिक सत्र जैसे कि 20 और 21 चलेगा, तो इसमें अगली कक्षा के अनुसार पढ़ाई जारी रख सकेंगे, अगली क्लास यानी चलने लगेगी। तो ये था, उसके बाद आगे है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के राज्य के साथ साथ पूरे देश में चल रहा 21 दिन के लॉकडाउन के अवधि कल 14 अप्रैल को, यानी 14 अप्रैल को समाप्त होने जा रही है, लेकिन महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने की पोजिशन है, क्योंकि बीमारी को 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन, तो संभावना है कि ऐसे में इन कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई सत्र को नियमित रखने के उद्देश्य से परिषद द्वारा महत्वपूर्ण कदम निर्णय लिया गया है। और हालांकि राज्य में 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम घोषित तिथि संदर्भ में अभी कोई आधिकारिक जानकारी परिषद द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन हम जो वीडियो डाले उसमें वीडियो में बता दिया, और इस वीडियो में भी बता देते हैं कि राज्य के डिप्टी सीएम ने हाल ही में इंटरव्यू परिणाम के जून प्रथम सप्ताह में किए जाने की संभावना जताई है। ओके, जून प्रथम सप्ताह में, यहाँ हम दिखाते हैं, जून प्रथम सप्ताह में आपका हाई स्कूल का और 12th का रिजल्ट
आने की संभावना है। तो वीडियो में यही था कि सिक्स से लेकर के और जो नाइन्थ इलेवंथ एट्थ सेवन्थ सबकी जो परीक्षाएं अभी नहीं हुई उनका अगला क्लास कैसे चलेगा, तो अगली क्लास में उन्हें पदोन्नत कर दिया जाएगा। और जो टेंथ और ट्वेल्थ की परीक्षाओं का रिजल्ट है वो जून के पहले सप्ताह में लगभग आ जाएगा। तो यही था वीडियो में इतना बताना था, इसलिए हम जल्दी से वीडियो बना दिए। जो भी गलती हुई उसको प्लीज़ कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर दे, सभी को पता चल जाए। इसी तरह टेक्निकल वीडियोज और स्टडी संबंधी वीडियोज हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, जाके चैनल को विजिट कीजिएगा, आपको चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आपकी कैसे देखिए यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप चेक करने के लिए, गैस सब्सिडी चेक करने के लिए और सारी चीज़ें की वीडियो आपको मिलेगी। कंप्यूटर मोबाइल संबंधी वीडियोज मिलेंगी, आपको FRP लाख कैसे कैसे क्या लाख तोड़ा जाता है सबको वीडियो आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ओके, इतना वीडियो में आपको हम बताए हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ओके, चलिए आज तक इतना वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो फिर हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त और बने रहिए टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।